सोहरू पबजींस के एलचैप के दो के स्वागत है सभी का एक और नहीं दो गेम प्ले की एक और वीडियो में। और यहाँ पे मैं देखो यहाँ उतरा था कहाँ पे नॉर्थ हिल में, और मैं उतरते माइनस बिल्कुल भी नहीं कराना चाह रहा था इसलिए मैं यहाँ पे उतरा, लेकिन भाई बंदे यहाँ पे भी लैंड कर जाते हैं। सामने वाले घर में एक बंदा लैंड कर जाता है जो कि अंदर की तरफ जा रहा था, और मेरे हाथ यहाँ पे सिर्फ MK47 लगी थी तो मैं वो उठा लेता हूँ और इसको शॉट देता हूँ। यहाँ पे मेरे को पता था इस तरफ ही आएगा, एक दो गोली लगी, फिर मैंने ऊपर फायर करा, मेरे को लगा ऊपर की तरफ आएगा तो मारता हूँ, लेकिन ऊपर भी कुछ काम नहीं होता तो मैं अंदर की तरफ चला जाता हूँ। और हाँ गाइस, आप लोगों को 1x बैट के बारे में तो पता ही होगा, ये एक बैटिंग एप्लीकेशन है जहाँ पे आप लोगों को स्पोर्ट्स को लेकर प्रेडिक्शन करनी पड़ती है, बैटिंग करनी पड़ती है, किसी भी टीम पर आपको प्रेडिक्शन करनी पड़ती है कि वो जीतेगी या हारेगी। और अगर आपकी प्रेडिक्शन सही निकलती है तो भाई आपको पैसे मिलेंगे। आपको इस ऐप में अपनी कंट्री करेंसी डाल देनी है और मेरा प्रोमो कोड डाल देना जो कि आपको अभी दिख रहा होगा स्क्रीन पर, गेम बॉय, ये डालते आपको 100% बोनस मिल जाएगा। और हाँ यार, ये ऐप या फिर वेबसाइट जो भी कहो कोलैबोरेशन में लिवरपूल चेल्सी जैसी बड़ी बड़ी फुटबॉल टीम्स के साथ तो भाई बिल्कुल ट्रस्टेबल है। यहाँ पर आपको सिंपल प्रेडिक्शन करनी है किसी भी टीम पे, कोई भी टीम आपकी फेवरेट है, और वो प्रेडिक्शन अगर आपकी सही निकलती है तो भाई काफी सही पैसे जीतने वाले हो तुम लोग। और पेमेंट भी काफी बढ़िया यार, आप इजीली अपनी जो भी आपने मनी जीती है वो आप इजीली विड्रॉ कर सकते हो, बहुत सारे आपको मेथड्स मिल जाएंगे यहाँ पे, तो भाई जरूर चेक इन करने ला, लिंक आपको कमेंट्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। अब देखो अभी तक मेरे पास सिर्फ MK47 थी, और हो सकता है उस बंदे को कोई ऑटो गन मिल गई हो तो यार उसके पास थोड़ा एडवांटेज रहेगा, तो इसलिए मैं रश नहीं करता, डायरेक्ट मेरे को यहाँ पे AK मिल जाती है बाद में। और फिर मैं देखो बाइक लेके निकलता हूँ और बंदे को हल्का सा डैमेज पड़ता है और मेरी हेल्थ भी काफी लिट कर चुका है भाई बंदा, तो यार मैं मेरी फुट चुकी थी भाई, अभी इसने रश कर दें तो ऐसे ऐसी हो जाएगी। लेकिन ये बंदा भी अंदर जाके भाई हील कर रहा होता तो मैं समझू भाई इसके भी डैमेज गया, क्योंकि देखो बाइक से डैमेज चला गया था और इसके पास भी हीलिंग नहीं होती, बहुत सही काम हुआ। और मैं यहाँ पे यार मर सकता था अगर इसके पास हेल्थ होती तो, क्योंकि ये दो तीन गोलियों में मर गया, पता नहीं कैसे, इतनी ज़्यादा लेट तो नहीं हुई थी हेल्थ, पर मैं मर जाता है क्योंकि देखो मैं फंस आ गया था, मुझे एम नहीं हो पा रहा था, लेकिन जो भी हो भाई बंदे को मैंने मार दिया। अब देखो मैं यहाँ पे बान हाउस कैफे तक की तरफ आ जाता हूँ और यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा था कोई बंदा होगा, हो सकता है लूट करके चला गया हो, लेकिन अभी मेरे को कुछ क्रेट दिखती है तो मैं थोड़ा अलर्ट हो जाता हूँ कि हो सकता है यहाँ पे बंदा हो। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे देखना नेड उठाऊंगा, फुटस्टेप्स की आवाज़ आपको आ गई होगी, मेरे को यहाँ पे लेवल 3 वेस्ट और एक नेड मिल जाता है, तो मैं नेड टॉस करता हूँ और वो बंदा भाई सवा शेर निकलता है उस तरफ से, वो भी नेड टॉस, क्या बोल रहा हूँ मैं, नेड टॉस कर रहा था, तो मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ और इस तरफ आ जाता हूँ, मैंने सोचा मैं यहाँ से नेड टॉस करता हूँ, लेकिन वो बंदा फिर सवा शेर निकला, वो पीछे की तरफ खिसक जाता है बिल्कुल उस तरफ, और नेड का हल्का सा भी डैमेज जाता है, तो मैंने सोचा भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा, इसको स्मोक स्मोक करके डराएंगे, लेकिन बंदा नहीं डरता भाई, मैंने स्मोक करा, कहीं कुछ पोजीशन चेंज नहीं करता, बिल्कुल एंड में पहुंच जाता है, तो मैं इस पर रश कर देता हूँ इस कॉर्ड हाउस में और देखी जाएगी भाई जो होता है। और थोड़ी सी नकली प्री फायर देकर मैंने इसको बताया कि भाई हल्के मत ले लियो, लोबी में पहुंच जाएगा, तो ऐसा करके मैं इस पर रश कर देता हूँ ऊपर की तरफ, पहले यहाँ नीचे आता हूँ कि एक बार नेट वापस से टॉस करता हूँ स्मोक की, क्या पता डर जाए, लेकिन ना भैया बंदा बिल्कुल बहादुर था, बिल्कुल पोजीशन चेंज नहीं करिए, मैं यहाँ पे टीपी भी लेता हूँ, यहाँ पे भी नहीं होता ये, और अब भाई कितना कितना मैं तरसाऊंगा, मैं कर देता हूँ डायरेक्ट रश। और गाइज अब मेरे को चाहिए थी हीलिंग, तो मैंने से क्रेट से बढ़िया था, अच्छे तरीके से हीलिंग ले ली और फिर मैं यहाँ से निकल रहा होता तो अभी देख रहे हो सामने ड्रॉप दिख रहा होगा आपको, मैं इस ड्रॉप पे रश कर देता हूँ, और जैसे ड्रॉप के पास आता हूँ ना यहाँ पे मेरे को हेलमेट वगैरह दिखते हैं, मतलब RPG छोड़ रखी किसी ने, भला मानस था जो भी था, लेकिन तभी फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है और बंदा रश कर देता मेरे पे। जंप एंड शूट OP बोलते गाइस, और कुछ देर में थर्ड पार्टी OP भी हो जाती है, लेकिन मैं निकल लेता हूँ ऐसे सही टाइम पे, मैं इंस्टेंटली निकल लिया, मेरे गाड़ी की आवाज़ नहीं है लेकिन फिर भी मैं निकल लिया, क्योंकि मेरी बहुत फटती है भैया, मैं जिससे भी ऐसे ओपन में कभी फाइट लेता ना इंस्टेंटली थर्ड पार्टी होती है, और ऐसा ही हुआ, ये बंदा मेरे पीछे पड़ जाता है और मैंने सोचा अच्छी तरह अपने कंफर्ट जोन में ले जाएंगे, पहले हील कर लेते हैं फिर बंदे को मारेंगे, मैं इस तरफ मुड़ता हूँ, मुझे लगा क्या पता कहीं और चला जाए, लेकिन ना भैया इसको मेरे से ही फाइट लेनी थी, मैं गाड़ी रोकता हूँ और फिर इसका हाल देखना। और इस भाई के साथ ना थोड़ा सा स्कैम हो गया, जो लोग समझ गए वो समझ गए और जो नहीं समझे ना भाई वापस से रिवाइंड करो समझ जाओगे। अब मैं देखो गाड़ी लेके निकलता हूँ स्पोर्ट की तरफ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक बॉट दिखा था और बॉट कितने दूर हो भाई, अपनी गाड़ी वहाँ पहुँच ही जाएगी, और अब मैं देख रहा हूँ यूँ घूम रहा था तभी शॉट्स पड़ते हैं मेरे को यहाँ अपार्टमेंट की तरफ से, मतलब स्पोर्ट में ही कहीं से, तो मैं गाड़ी इस तरह से ले जाता हूँ जिससे मेरे शॉट ना लगे, और मैं इस बंदे पर रश कर देता हूँ, और जैसे अपार्टमेंट के पास पहुँचता हूँ इस वाले तो मेरे को फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है और आप लोगों को भी आ गई होगी, और मेरे को इतना तो पता था फर्स्ट एवर सेकंड फ्लोर पे ही है, लेकिन फिर भी क्या पता भाई बंदा नीचे होगा, क्योंकि अभी ऐसे फुटस्टेप्स दे रहा था कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि बंदा कहाँ है, मतलब बस हल्का हल्का सरक रहा था तो मैं समझ नहीं पा रहा था भाई बंदा कहाँ है, मैंने मैप पे तो बिल्कुल डार्क फुटस्टेप आ रहे थे, तो हो सकता है बंदा नीचे हो बिल्कुल पास हो, तो मैं एकदम से जाऊँ और भाई मेरे को मार दे, मैं नेट टॉस करने का ट्राई करा लेकिन भाई नेट गलत टॉस हो गया, और फिर मैं थोड़ा इस तरफ आ जाऊँ तो भाग के क्या पता बंदा नीचे हो तो मेरे पर शूट करेगा, लेकिन एक बंदा एक भी गोली नहीं मारता तो मैं श्योर हो चुका था कि बंदा नीचे तो नहीं है, फिर मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ और देखना मैं एक नेट टॉस करता हूँ नीचे से पहले, तो कि क्या पता वो पीछे यहाँ पे TPP ले रहा हूँ, क्योंकि लोग बहुत बार यहाँ पे कैंप करे रखते हैं, लेकिन भाई बंदा यहाँ पे भी नहीं होता, यहाँ पे से भी कुछ डैमेज जाता, और अब मैं ऊपर जाता हूँ देखना बंदा गोली मारता है,
और इस बार मैं समझ जाता हूँ कि बंदा इस बार तो पक्का ऊपर वाली सीढ़ियों में ही है। और फिर कुछ देर बाद मैं मौली करता हूँ और मौली काम कर जाती है। और मैं भी यहाँ पे इस बंदे पे रश नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी हेल्थ देख सकते हो, और मौली से मैं भी चलूंगा ऑब्वियस है। तो ये बंदा नीचे कूद जाता है, भाग जाता है यहाँ से, और मैं भाई पीछे पड़ जाता हूँ। अब देखना, मेरे को आए थे इसके फुटस्टेप्स के पास ही नीचे कूद चुका है, तो मैं रश कर देता हूँ और मेरे को मिल जाता है भाई ये। और जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ यार, इसको मारते इंस्टेंटली थर्ड पार्टी हो जाती है, मैं पहले फर्स्ट लगा लेता हूँ। और देखना ये बंदा मेरे को किस तरह से मार के जाता है। इसकी एक कैम पे बस इतना देखना सप्रेसर था या नहीं। बिना सप्रेसर के एकेएम साइलेंट कैसे चल सकती है? मेरे को पता है यार सप्रेसर लग के कभी कभी कतई भी आवाज़ नहीं आती, लेकिन यार बिना सप्रेसर के तो आनी चाहिए ना भाई, अलग ही सीन है। अब आप लोग बताना कमेंट में यार, आपके साथ ये सब होता है नहीं, या फिर क्या क्यों हुआ था ये, मतलब बंदे की एकेएम से आवाज़ क्यों नहीं है? अगर आप में से किसी को पता है तो बताना मेरे कमेंट में। अब मैं देखो ओल्ड वर्जन लैंड करा था और साइड में एक दो बंदे भी लैंड करे थे। मेरे हाथ में लगी थी भाई बैरल और M16। मेरे घर में जो बंदा होता है भाई ऊपर की तरफ आ जाता है, तो मैं इसके कुछ शॉट्स मारता हूँ। साइड में जो बंदा है उसके आपको फुटस्टेप्स की आवाज़ आ गई होगी। मुझे लगा ये बंदा मेरे पे रश करना चाह रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई कर रहा था। मैं जैसे ऊपर जाता हूँ तो देखना ये बंदा यहाँ पे साइड में चढ़ के जा रहा था दूसरी वाली बिल्डिंग में, और इसके एक हेडशॉट लगता है बैरल का। तो मुझे लगा थोड़ा बहुत लिट हुआ होगा क्योंकि इसके पास भी हेलमेट नहीं होता है, तो मैं सोचा रश करेंगे। लेकिन मैं भूल चुका था मेरे पास भी हेलमेट नहीं है। तो मेरी हेल्थ देखो भाई, दो हेडशॉट लगता है सीधा कतई खत्म हो जाता है, एक और लग जाता तो मैं नीचे चला जाता और फिर ये बंदा मेरे पर रश कर देता है। लेकिन मैं इसके साथ भूल भुले खेल जाता हूँ और अभी वापस ऊपर जा चुका है। और मैंने बीच इसी दौरान मैंने एक कार आंटी उठा ली यहाँ पे इस वाले घर में से, और देखना इसके शॉट मारने का ट्राई कर दो। लेकिन मेरी बस की नहीं है भाई आयरन साइड से मारना, बंदा कितने पास हो। देखो यहाँ पे हेडशॉट लग सकता था, लेकिन क्या ही बताया। देखो इसने नेड कर दिया तो मैं नीचे कूद जाता जल्दी से, और बाल बाल बच गया, मेरे को 4x मिल जाता और ये बंदा नीचे कूद चुका था। और क्या ही मारा यार इसको, इसने मेरे को बहुत सॉलिड वाला मारा। हम दोनों के पास हेलमेट नहीं था तो भाई हेल्थ ऐसी जल्दी जल्दी जा रही थी ना, क्या ही बताओ। आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, नए हो चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, और सब्सक्राइब कर लेना यार, तुम्हारा कुछ नहीं जाने वाला। अब देखो आगे से मैं गाड़ी लेके ये थोड़ा स्टंट दिखा के आ जाता हूं इस तरफ, और सामने नीले वाले घर में बंदा नहीं दिखता मेरे को, सिर्फ गाड़ी दिखती है और फिर बंदा भी दिख जाता है। लेफ्ट में आपको सर दिख जाएगा, तो मैं एक नेट टॉस करता हूं और वहां पे फेंक देता हूं। स्टंट था तो ये शायद थोड़ा घबरा जाए, लेकिन बंदा हिलता नहीं है, बहादुर था। और हाँ गाइस, आप लोग मेरे से थोड़ा और कनेक्टेड रहना चाहते हो तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं डेली स्टोरीज और कुछ कमाल की क्लिप्स डालता हूँ जो कि आपको लिटरली काफ़ी पसंद आएंगी। तो एक बार आईडी चेक कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आईडी दी है। वीडियो देखने के बाद फॉलो कर लेना, तुम्हारे भाई का अकाउंट है। और मैं वकील के निकलता हूँ, मैंने सोचा बंदे मारेंगे, लेकिन तभी मेरे को ड्रॉप दिख जाता है, और ड्रॉप का अट्रैक्शन तुम्हें पता है, कोई ये लूटा नहीं था ड्रॉप, तो मैं लूटता हूँ। यहाँ से मेरे को आरपीजी दिखती है, तो मैंने सोचा जल्दी से हम उठा लेता हूँ, किसी और को आरपीजी यूज़ करने नहीं देंगे, बदतमीज़ हो रहे हैं लोग। लेकिन जैसे मैं आरपीजी उठा तो बंदा आ जाता साइड में से, मैं एकेएम उठा ही नहीं पाता, वरना भाई ये बग्गी से उड़ा देता। और अब भाई से आरपीजी से मारना पड़ेगा। मैंने सोचा भाई ट्राई करता हूं, गाड़ी की हालत देखो भाई, और पीछे से एक गाड़ी और आ जाती है, और ये बंदा मेरा किल चोरी कर लेता है। और अब देखना इसका बदला मैं आरपीजी से लेता हूं, पहली बार शायद मैं चला रहा हूं क्लासिक में। और आरपीजी में भाई अलग ही लेवल एम बोट है, मतलब बंदा कितनी दूर चला जाए डैमेज तो जरूर देगी, ऐसा तो है ही नहीं कि भाई 1% भी डैमेज जाए ना। अब देखो मैं बग्गी लेके निकलता हूँ, और तभी मेरे को गनशॉट्स की आवाज़ आती थी और बंदे का फ्लैश भी दिख जाता, तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पता थी मेरे को बंदे की, तो मैं गाड़ी लेके सीधा जा रहा था। और बंदा देखना वो किसी बोट या फिर किसी और बंदे को मारा था, ये तो मेरे को स्पॉट हो गया था, लेकिन दूसरा बंदा मेरे को स्पॉट नहीं हुआ, तो मैं तभी की तभी नहीं उतरा, क्योंकि हो सकता है जिसको ये मार रहा है वो मेरे को मार दे, फिर यही मेरे को मार दे। तो इसलिए मैंने सोचा पहले कवर में जाएंगे फिर मारेंगे उस बंदे को, और ये अभी उस बॉट को मार देता है। और अब जो शॉट मारूंगा ना इसके लिए भाई, तुम जितने लाइक करो उतने कम है। और ये जो फ्लिक शॉट होते हैं ना, जो कि सोल्टर्स के अगेंस्ट मारे जाते हैं, मतलब सामने वाला ऑटो गन चला रहा है और आप लोग स्नाइपर चला रहे हो, तो एकदम से बिल्कुल हल्का सा स्वाइप करके मारा जाता है, तो ये शॉट ना दिखने में काफ़ी आसान लगता है, लेकिन भाई जब एट द मोमेंट जो बंदा मार रहा होता है ना भाई स्नाइपर से, उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो भाई लाइक कर देना, अब कुछ लोगों को आसान लगा होगा, लेकिन फिर भी यार लाइक करने में क्या जा रहा है। तो मैं यहाँ पे सेंट्रल रोड की तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ गनशॉट्स की आवाज़ आई, और इस वाले घर में आपको बंदे की हल्की सी झलक भी दिख गई होगी शायद से। और मैं नेट टॉस करता हूँ और ये बंदा पीछे की तरफ आ जाता है, मतलब श्याणा बन रहा था बंदा। इस बंदे को मारने के बाद ऑब्वियसली मैं इसकी क्रेट लूटने जाता हूँ सबसे पहले, और उसकी क्रेट लूटने के बाद मैं यूँ TPP ले रहा था कि क्या पता बंदे हो, ड्रॉप के पास बंदे हो। लेकिन तभी ये लाल वाला घर देख रहे हो, ये लाल टावर तो दिख रहा होगा, ये बंदा भाई कब से पीक ले रहा है, देखो ना क्या ही स्ट्रॉन्ग पीक ले रहा था। और हेडशॉट के लिए लाइक कर देना यार, मुझे पता है तुम्हें काफ़ी पसंद आया होगा, दिल छू गया यार, तो भाई लाइक कर देना।
रियली भाई, मतलब आलस मत करो, मेरे को पता तुम्हें पसंद आया, लेकिन बस आलस कर जाते हो ऐसे हवा में अपना हाथ ले जाके फोन पे टैप करने के लिए, तो लाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं इसकी क्रेट लूट लेता हूँ, और यहाँ पे रेड जोन था काफी देर तक, तो मैं इसलिए कहीं भी रश नहीं करता, वेट करता हूँ बहुत देर तक रेड जोन था, और फिर जाके मैं जोन में निकलता हूँ। और जोन यार काफी हद तक ओपन में होता है और थोड़ा सा स्टेडियम में होता है, तो मैं स्टेडियम की तरफ जाते हुए थोड़ा सा जिगजैग घुमाता हूँ अपनी गाड़ी को, क्योंकि हो सकता है वहाँ से कोई बंदा स्प्रे मारे, और बग्गी में भाई गिराना मतलब बंदे को नॉक करना, क्या बोल रहा हूँ, बंदे को किल करना काफी आसान होता है। तो मैं इस तरफ आ जाता हूँ गाड़ी को, घुमा के इस तरफ ले आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुश्किल है कोई बंदा मेरे को मार सके। तो मेरे को ऐसे फुटस्टेप्स का पता चल जाता है, लेकिन एक भी फुटस्टेप नहीं आया स्टेडियम में, तो शायद मैं ही एक बंदा था जो कि स्टेडियम में ऑलरेडी था, तो मतलब मैंने काफी सही पोजीशन होल्ड कर ली थी, और यहाँ पे कोई फुटस्टेप नहीं आया। मैं देखता सामने की तरफ एक डाश आते अपार्टमेंट साइड की तरफ, तो मैंने सोचा भाई मारते हैं, और एक शॉट लग भी जाता शायद से बंदे के, मजाक करूं कोई शॉट नहीं लगता, मुझे बस इतना पता था कि बंदा वहाँ पे घूम रहा है कोई ना कोई तो है, और मैं बहुत बार वहाँ पे स्कोप इन स्कोप आउट करता हूँ, लेकिन बंदा निकल नहीं रहा था, तभी जोन आता है, और भाई इस बार थलोंडे को निकलना था, और एक नहीं दो दो बंदे निकलते हैं। और जिसके हेडशॉट लगा था वो वहीं पे सांप बन जाता, तो मैं उसको इजीली ढेर कर देता हूँ। और इसके साथ जो टीममेट था ना इसका, जो कि टीम अप कर रहे थे लोग, वो पता नहीं कहाँ जाता, तो मैं एकदम से इतना ज़्यादा देखता नहीं हूँ, क्योंकि घास में कहीं वो सांप बना होगा, तो मैं एकदम से इतना ज़्यादा वहाँ पे नहीं देखता, लेकिन इस बंदे की काफी डैमेज गया था, और ये वहाँ पे जो शैक नहीं होती स्टेडियम के पास ही, वहाँ गाड़ी के पास वहाँ पे रुक जाता था। अब मैं देखो जोन आ चुका था, जोन में निकलता हूँ बग्गी लेके, और देखना इस बंदे को क्या ही मारता हूँ मैं, शैक के पास होता है, और बंदे ने मेरे को बहुत सॉलिड मारा। और जरा हेल्थ देखो भाई, किसी ने जोर से चिल्ला भी देना तो भी भाई खत्म हो जाएगा मेरे, तो मैं यहाँ शैक में रुकता हूँ, अच्छी तरह हील कर लेता हूँ, और उसके बाद देखना एक बंदा एक को डैमेज दे देता है, डैमेज क्या मार ही देता है, और यहाँ पे मैं स्मोक कर लेता हूँ अपनी गाड़ी पे, कि भाई इस बंदे को फिर मैं अपनी गाड़ी तरह कहीं घुमा घुमा के मारूंगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सांप बना हुआ है, तो मेरे सॉलिड वाला स्प्रे मार सकता है। तो मैं बग्गी पे स्मोक कर देता हूँ, और फिर मैं जैसे ही बग्गी लेकर निकलता हूँ, कुछ गन शॉट्स मारते हैं मेरे, और मेरे को भाई लग रहा था मौत होगी, लेकिन ये शायद टीम अप वाला निकला था। और इस बंदे ने यार थोड़ी सी देर कर दी, क्योंकि मेरा फ्लो बन चुका था, और भाई बंदा मारा गया। देखो यार अगर आप में से कोई था तो मेरे को बताना कमेंट में, एंड आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगी, पसंद है तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग को, एंड हाँ मैं तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय।